Let's go. Hello everyone, how are you all? Welcome to today's session, sir. Yes ma'am, and मैं और दीपिका मैम बच्चों आज लेके आ रहे हैं एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट. मैम, over to you. Correct sir, I think first time in the history ऐसा हो रहा है और वो भी बिल्कुल प्योर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ये हो रहा है. बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैडम अपने आप थ्योरी नहीं पढ़े जाती है, हमें कैसे करना चाहिए. तो मैंने और कुणाल सर ने इस बार आपके लिए एक मेगा मैराथन प्लान किया है जिसमें हम आपका एक दिन एग्जाम के एक दिन पहले 100% पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं. ऑडिट का सर देने वाले हैं अब आपको डिटेल्स. यस सर. यस मैम. तो बच्चों एक बहुत ही अमेजिंग मैराथन हम लोगों ने प्लान किया है. मैं शेड्यूल दिखा रहा हूं आपको उस मैराथन का. मैम मानना होगा कि हम लोगों ने ये बहुत ही नाइसली क्यूरेटेड शेड्यूल बनाया है मैम. बिल्कुल. जिसमें बच्चों आप देख सकते हो कि हम लोग 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक, मतलब आपके एडवांस अकाउंट्स के पेपर के बाद से शुरू करेंगे मैराथन. करीब 7 बजे से हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, एंड आपके ऑडिट के पेपर के दिन तक इसे कंटिन्यू करने वाले हैं. मैम मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जो फर्स्ट डे है हम लोगों का, फर्स्ट डे में ही मैम हम लोग 7 बजे से 9:30 बजे तक ऑडिट रिपोर्ट एंड 9:30 to 12 कंपनी ऑडिट. मतलब मैम ऑलमोस्ट हम लोग 30 मार्क्स का, इनफैक्ट 25 मार्क्स का तो मैम फर्स्ट डे ही बच्चों को रिवाइज करवा देंगे. बिल्कुल बिल्कुल एकदम करेक्ट बोल रहे हैं सर. फर्स्ट डे का जो स्टडीज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है बच्चे बहुत लेजी हो जाते हैं फर्स्ट डे की नहीं आज ही एग्जाम देकर आए हैं आज हम रेस्ट कर लेते हैं. तो बच्चों रेस्ट का अब समय नहीं है. फर्स्ट डे ही आपका हम 25 मार्क्स कवर करवा देंगे. 25 मार्क्स का सिलेबस कवर हो जाएगा और जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो 15th जुलाई को हम 7 AM से लेकर 11 PM तक हम क्या करने वाले हैं, कंटिन्यूस सेशन लेने वाले हैं जिसमें हम 100% कवरेज आपका ऑडिट का करवा देंगे 15th को. तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपका पूरा का पूरा ऑडिट हमारे साथ कवर हो जाएगा. तो बेसिकली अगर आप देखें तो 1 बजे तक 60% ऑफ पोर्शन हमारा ऑडिट का कंप्लीट हो जाएगा. ये बहुत ही नाइसली क्यूरेटेड हमारा शेड्यूल है. और बेस्ट बात तो ये है बच्चों कि अगर मान लो आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर के लिए भी आना हो, मान लो आपको किसी एक चैप्टर में दिक्कत है और किसी एक चैप्टर के लिए भी आना है तो आप हम इस शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं और जो टाइम यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है उसी टाइम में हम चैप्टर्स को फिनिश करेंगे. तो आप पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए भी आ सकते हो. क्यों सर? मैम 100% एंड खास बात बच्चों ये है कि यहाँ पे हम नाम सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं, बट वो चैप्टर्स के साथ में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे बच्चों कवर करने वाले हैं. मैम मैं ये साथ साथ ये भी देख रहा हूँ कि डे 3 को तो मैम हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है बच्चों. डे 3 को 8 बजे से लेके 11 बजे तक हम लोग लेके आ रहे हैं पिछले 4 एग्जाम्स के RTP, MTP और पास एग्जाम्स के क्वेश्चंस. मतलब मैम इफ यू सी तो जो भी बच्चा हमारे साथ रिवाइज कर रहा है पूरा, मैम नॉर्मली हर बच्चा एग्जाम डे पे RTP, MTP सॉल्व करता है एंड मैम हम लोग वो साथ में करवा रहे हैं बच्चों को. तो बच्चों आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक से भी के लिए भी आ सकते हो या पूरा का पूरा मैराथन भी हमारे साथ कर सकते हो. बट अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो जो एग्जाम डे है मेरे और दीपिका मैम के साथ में 8 बजे से लेके 11 बजे तक बच्चों यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट. क्योंकि पिछले 4 एग्जाम के RTP MTP के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं. दीपिका मैम भी इस बात को एग्री करेगी कि मैम ICI का ये पैटर्न रहा है कि ICI RTP MTP से बहुत सारे क्वेश्चंस देता है एंड आइडियली मैम पिछले 4 एग्जाम्स के कम से कम RTP MTP तो सॉल्व करके जाना ही चाहिए. तो बच्चों आप वो यहाँ ढूंढेंगे वहां ढूंढेंगे पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, आपको समझेगा नहीं समझेगा, अरे भाई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है. मैं और दीपिका मैम है ना सीधा एग्जाम डे के दिन तक जितना भी प्रिपेयर करना है बच्चों कर लो एंड एग्जाम डे को 8 बजे आ जाओ हमारे साथ, बिकॉज आपका सारा टेंशन सारा रिविजन हम RTP MTP के थ्रू बच्चों ऐसे ही कवर कर लेंगे मैम. बिल्कुल. तो मैम एनी फाइनल वर्ड्स कि बच्चों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, बच्चों ने कैसे प्लान करना चाहिए मैराथन के लिए?
बिल्कुल सर, मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगी, आपने शेड्यूल का तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से शेड्यूल बनाया है। हमने इस तरीके से शेड्यूल बनाया है कि जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं एबीसी कैटेगरी में डाल के वेटेज वाइज हमने चैप्टर्स को डिवाइड करके इन शेड्यूल को बनाया है, और ये शेड्यूल आपको डेफिनेटली बहुत मदद करेगा। एग्जाम के एक दिन पहले जितनी अच्छी रिविजन होती है उतना अच्छा आपका एग्जाम जाता है। तो बेसिकली हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आपको बेस्ट दे सके, एंड आई होप कि आप हमारे साथ मेहनत करेंगे। और द बेस्ट पार्ट इज, मान लीजिए अगर आप अपने आप भी पढ़ाई कर रहे हैं तो भी जो लास्ट डे है उस दिन हम आरटीपी एमटीपी ले रहे हैं और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जो 8 बजे से सेशन स्टार्ट होगा, जो मैं और कुणाल सर ज्वाइंट लेने वाले हैं बच्चों, तो इस सेशन को तो डेफिनेटली मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है इस सेशन में देखे गए क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ जाए। क्यों सर? मैम 100%, अभी जो ग्रुप 1 का मेरा एक्सपीरियंस था मैम, हमने जब आरटीपी एमटीपी डिस्कस किया मैम, लॉ के पेपर में कई सारे क्वेश्चंस आ गए एंड स्टूडेंट्स वर रियली हैप्पी। तो उसी पैटर्न को देखते हुए मैम, मुझे लगता है कि वो एग्जाम डे वाला सेशन जो है वो तो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मोर ओवर मैम, ये जो आपने शेड्यूल दिया हुआ है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो आप पूरा मैराथन कर सकते हैं। जो चैप्टर में प्रॉब्लम है बच्चों, आप वो कर सकते हैं, ये आपको फ्रीडम मिल रहा है, नंबर वन। नंबर टू मैम, कि साथ साथ बिकॉज ऑफ जो भी बच्चों को डाउट्स है वो तो डेफिनेटली मैम यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, एंड नंबर टू टाइम टेबल भी मैम हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी को बच्चों आपको फॉलो करना है। मैम एनी फाइनल वर्ड्स? फाइनल वर्ड्स तो यही रहेंगे कि सर कि अब तुम्हारे हाथ में है बाजी, अब इसे पकड़ लेना। अब सीए का एग्जाम तुम्हें क्लियर करना ही है, टीचर्स तुम्हारे साथ लगे हुए हैं और तुम्हें अपना बेस्ट देना है, 100% देना है, जितना आता है उतना करना है। और अगर किसी पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट है तो इस शेड्यूल को देख के उस चैप्टर के लिए आ जाओ। तो जैसे भी हम अपना पूरा मैराथन 100% रखेंगे, 100% कवरेज करेंगे, आप अपने हिसाब से आ सकते हैं। यस मैम, एंड मैम एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं मैम बोथ ग्रुप के फॉर्म भरते हैं बट वो मेजरली फोकस करते हैं ग्रुप 1 में, तो ऐसे बच्चों के लिए तो अनअकैडमी पे और अपने जो मैराथन होने वाला है मैम, दैट इज गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल। यस सर, डेफिनेटली 100%। तो बच्चों जल्दी जल्दी अपना शेड्यूल ये नोट कर देना, ठीक है, प्लानिंग कर लो, एंड हम यानी मैं और दीपिका मैम मिलते हैं आपको 14th को शाम को 7 बजे, एंड डोंट मिस दिस सेशन, दिस विल बी अ रियली रियली इंपॉर्टेंट सेशन। सो मैम लेट अस वाइंड अप दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट बच्चों, विल बी वेटिंग फॉर यू ऑन 14th, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट टुगेदर, बाय 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 बाय।